अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल कमरान फूड एंड ब्लॉग्स। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपके घर वाले बिल्कुल खैरियत होंगे। आज मैं लेके आया आपके लिए एक नई रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही मजे की भी बनती है और छोटे और बड़ों की सबकी यह फेवरेट है। तो आज हम बना रहे हैं चिकन ड्रम स्टिक्स, जिसके लिए मैंने लिए यहाँ पे आधा किलो आलू जिनको मैंने बॉयल कर लिया, और साथ में मैंने लिए एक किलो चिकन जो है उसकी सिर्फ मैंने लेग पीस लिए जिनको मैंने बॉयल कर लिया, सिर्फ नमक डाल के पानी में इनको मैंने बॉईल कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बॉईल दोनों चीज़ें कर लिया। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ हमें क्या करना है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे जी आलूओं को मैश। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अभी यहाँ पर हम करेंगे आलूओं को मैश कर लेंगे। आप चाहे मैशर की मदद से, मैं तो मैशर की मदद से कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो आलू हमने मैश कर लिए, अब जो है हम इनको करेंगे साइड पे, और चिकन को जो है हम इनकी जो चिकन से बोन से जो चिकन गोश्त जो है वो इसको हम हटा लेंगे। तो इनको हम अलग कर लेंगे बोन से चिकन का जो गोश्त है। तो ये इसकी जो बोन है वो भी हमने रेसिपी में यूज़ करनी है, तो हमने इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इनको साइड पे हम रखेंगे और बाकी जो लेग पीस से जो है हम बोन और गोश्त जो है वो अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोन से हमने गोश्त जो है अलग कर लिया। अब हम उसको छुरी की मदद से इसको हम छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। तो बोन्स को भी मैंने धो के साफ़ कर लिया और उनको मैंने रख लिया। तो अब हम जी हमने जो बॉयल आलू किए थे और जो है ये आप देख सकते हैं हमने बोन्स को जो साफ़ करके धो लिया, तो उनको रखेंगे साइड पे और हम उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन पाउडर, अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसमें फ्रेश कूट के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया क्योंकि चिकन में भी मैंने पहले ऐड किया था। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने लिया रेड चिली फ्लेक्स, तो और साथ में काली मिर्च आधा चम्मच। तो अब इसको हाथ की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगा बिल्कुल एक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको हाथ की मदद से मिक्स कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये जो हमने बोन रखी थी तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं ये हमने बोन्स, ये मसाला हमने हाथ में इस तरह रख के और इसको दरमियान में मसाले के रख के और हाथ की मदद से हमने इसके ऊपर फोल्ड करते जाना है। तो ये आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको करेंगे साइड पर और बाकी भी इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। तो अब मैंने लिया तीन अंडे जिसको मैंने फेंट लिया, और साथ में मैंने लिया ब्रेड क्रम्स। तो अभी हम ये पीस हम उठाएँगे और इसको अंडे में इस तरह डिप करके अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो जो हाथ आपका सूखा ड्राई है तो उसकी मदद से आपने इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। तो इस पर भी हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हम वन बाय वन करके हम सारों पे ये लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो आपने ध्यान रखना है कि हाथ आपके खुश्क होने चाहिए तभी आप इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएँ। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे हमने रेडी कर लिए ये चिकन ड्रम स्टिक्स। तो अब हम इसको कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। ऑयल हमने यहाँ पे हल्का गर्म रखना है, ज़्यादा गर्म ना हो। अब हमने इसमें यहाँ पे ये पीस सारे ऐड कर देने, और अब ये फ्राई हो चुके हैं तो इनको अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें आप रेडी हो चुके हैं, तो सारे हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे बकाया भी। तो बाकी के जो पीसेज हैं वो हम इसमें ऐड करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे जी ये सारे रेडी हो चुके हैं, इनको अब डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह आप इनकी फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप भी ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं एक आपको पीस ट्राई करके बताता हूँ कि ये कैसा बना है। तो माशाल्लाह बहुत ही ये मज़े के बनते हैं और इजी भी हैं, तो आपने ये लाजमी बनाना है। बच्चों के तो ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट हैं, तो आपने ज़रूर ये बच्चों के लिए एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको और आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी किया करें, और कमेंट्स में मुझे लाजमी आपने बताना है कि आज की रेसिपी आपको ये कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए मुझे।